तो दोस्तों वेलकम बैक टू कार वर्सल। मेरा नाम है हर्ष बब्बर और ये एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडा के ऐसी 5 नई गाड़ियों के बारे में जो कि जब इंडिया में लॉन्च होगी तो इंडिया में तहलका मचा देगी। इन गाड़ियों में आपको इतने कम प्राइस में आपको इतने बढ़िया फीचर्स मिलते हैं कि आपको यही गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी और आपको यही वाली गाड़ियाँ पसंद आएगी और स्कोडा का आपसे राज हो जाएगा इंडिया में। तो आज की वीडियो में इन 5 नई स्कोडा की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और पिछली वीडियो के जो बेस्ट कमेंटर है वो है शिवम और बाकी इनोसेंट जैस। और बाकी हम इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 920 लाइक्स का। तो जितनी जल्दी आप इस वाले नंबर तक लाएंगे आपको उतनी सस्ती मिलेगी गाड़ियाँ और इतनी जल्दी स्कोडा इन गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो जस्ट इसकी पहली गाड़ी है स्कोडा की तरफ से काफ़ी बढ़िया गाड़ी होने वाली है इंडिया में। और इंडिया में आप कह सकते हैं कि जो 5 सीटर SUV वाला सेगमेंट है उसकी सबसे प्रीमियम गाड़ी होने वाली है ये। तो इसका नाम है स्कोडा की कारोक। और वैसे तो ये गाड़ी अभी तक आपको इंडिया में लॉन्च होके मिल जानी चाहिए थी और इसकी जो आप टेस्ट ड्राइव वगैरह भी कर पाते इंडिया में, लेकिन जो ये मतलब सारा ये पैंडेमिक वगैरह चल रहा है तो इसकी वजह से स्कोडा ने इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो डिले कर दिया है। क्योंकि ना तो आप कोई बाहर आके इस गाड़ी को खरीद सकता है ना तो इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर सकता है, तो लॉन्च करने का कोई बात ही नहीं बनती। तो इस गाड़ी की वैसे मैंने जो सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक स्कोडा की डीलरशिप से मंगा ली है, तो सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एकदम फुल प्रूफ के साथ है। इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा जो कि 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलेगी और आपको 250 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। और ट्रांसमिशन में इस गाड़ी में आपको एक ही मिलने वाली है जो कि 7-speed की DHD ट्रांसमिशन, जो कि एकदम बहुत ऑडीज़ में BMW में यूज़ होती है, मतलब BMW में तो नहीं ऑडी में यूज़ होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन है। और वेरिएंट में एक ही आने वाला है इस गाड़ी में जिसमें आपको सारे जो फीचर्स आपको मिलेंगे और आपको कोई भी मतलब ऊपर का वेरिएंट नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है इसके फीचर लिस्ट और बाकी इसका इंटीरियर जो कि आपको बेस्ट मिलता है इसके सेगमेंट में। और यहाँ तक कि जो टाटा हैरियर है उसमें भी आपको इतना बढ़िया इंटीरियर नहीं मिलता। इस गाड़ी में आपको बेज का और आपको ब्लैक के कॉम्बिनेशन का इंटीरियर मिलता है जो कि एकदम ऑडी के लेवल का है। इसमें आपको फुली डिजिटल आपको 12.3 इंच का आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है जिसमें आपको सारा कुछ वर्चुअली दिखेगा, सारा कुछ आपको डिजिटली दिखेगा। और बाकी इसमें आपको एकदम नया इंटरफेस वाला आपको 8 इंची का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि इसके सेगमेंट में आपको किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे। और बाकी जो लेग स्पेस है गाड़ी की, हेड स्पेस है, एकदम आपको बेस्ट मिलने वाली है। और बाकी अभी जो स्कोडा ने इस गाड़ी का इंडिया में एक्सट्रीम प्राइस रखा है वो है 26 लाख रुपये एक्सट्रीम इंडिया, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा भी है, लेकिन इस गाड़ी में आपको जो उस प्राइस में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं पूरे सेगमेंट में बेस्ट है। और एक जो और काफ़ी बढ़िया फीचर है इस गाड़ी में वो है कि इस गाड़ी में आपको 6 साल की आपको वारंटी मिलती है और आपको 6 साल की आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलती है। तो अगर आपको कभी भी अगर आप जर्नी में जा रहे हो और आपका टायर कुछ पंचर वगैरह हो जाता है तो आप कॉल करके आप मतलब उन्हें बोल सकते हैं टायर ठीक कर दीजिए, आपको कोई भी हाथ वाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बेनिफिट है इस गाड़ी का। और बाकी इंडिया में तो अभी लॉन्च है इसका, अभी 1-1.5 महीने डिले ही हो चुका है, मतलब मई में ही होगा अभी इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में। इसके बाद जो इसकी अगली गाड़ी है जो कि आप कह सकते हैं कि स्कोडा की एकदम फ्लैगशिप गाड़ी है और एकदम ऑडी की जो A6 वगैरह आती है उससे कम्पीट करती है, तो वो है स्कोडा की सुपर्ब। और इस गाड़ी का भी लॉन्च इंडिया में अभी कुछ ही हफ्तों में ही होने वाला था लेकिन वो भी अब डिले हो चुका है, लेकिन ये सारे मतलब ये COVID-19 के चक्कर में। इस गाड़ी में अब आपको पहले से काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं इसके 2020 वाले वर्जन में और आपको काफ़ी बढ़िया इसमें इंजन मिलने वाले हैं। अब ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल के ही ऑप्शन में आएगी। इसमें आपको 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है। एक आपको मिलेगा 1.8 लीटर का TSI इंजन जिसमें आपको अराउंड 170 हॉर्स पावर मिलती है, और एक आपको मिलेगा 2.0 लीटर का TSI इंजन जिसमें आपको 190 हॉर्स पावर मिलती है। तो एकदम फास्ट हो जाएगी गाड़ी, एकदम परफॉर्मेंस गाड़ी वाली इसमें आपको फील आएगी। और जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का वो है इसकी लुक्स, जो कि आपको मेरे ख्याल से पूरे सेगमेंट में आपको बेस्ट मिलती है। और आपको फीचर ऑफ कोर्स लग्जरी मिलते ही है। इस गाड़ी में आपको LED मैट्रिक्स लाइट्स मिलती है जो कि आज तक इस वाले सेगमेंट में आपको इंडिया में किसी भी और गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको बहुत ही बढ़िया दिखने वाले आपको 18 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इंटीरियर में भी गाड़ी में काफ़ी आपको लग्जूरियस मतलब सारा क्वालिटी मिलती है और सारा कुछ ही लेदर का और बाकी काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल्स में फिनिश्ड है और उसमें आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और एक जो मेरे ख्याल से अब कमी हो चुकी है वो ये है कि इसमें आपको डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, तो डीजल ही लेते थे लोग स्कोडा की सुपर में, लेकिन अब तो आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। लेकिन तब भी जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया है और ओवरऑल मतलब कोई भी इसमें आपको कमी नहीं मिलने वाली। और इसका प्राइस कह सकते हैं कि इंडिया में 27 लाख रुपये से लेके 31 लाख रुपये एक्चुअली में इंडिया के आसपास का होना चाहिए। और जो लॉन्च है वो तो जून जुलाई के आसपास ही होगा, अब तो नहीं होने वाला आसपास कभी भी। उसके बाद जो इसकी अगली गाड़ी है जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोडा की ऐसी गाड़ी है जिसने इस कंपनी को इंडिया में सेटअप किया था। और इंडिया में इसी वाली गाड़ी के बाद ये कंपनी थोड़ा जान पहचान में आई थी, पहले तो कोई जानता भी नहीं था इस कंपनी को।
तो वो है स्कोडा की ऑक्टाविया। और इस गाड़ी का भी एक नया वाला वर्जन लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया में भी आने वाला है, जो कि पहले से बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और जिसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे आपको इसके सेगमेंट में कोई भी और गाड़ी में आपको नहीं मिलते, अपने सेगमेंट की बाप होने वाली है। और वैसे भी इस वाले सेगमेंट में अब तो सिर्फ ऑक्टाविया ही बिकती है, बाकी सारी गाड़ियाँ तो डेड हो चुकी है एकदम। ना सिविक बिकती है इंडिया में, ना क्रोला बिकती है इंडिया में। तो इस गाड़ी में अब आपको पहले से आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है और आपको परफॉर्मेंस मिलती है, और अभी गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल के ही इंजन ऑप्शन में मिलेगी। इस गाड़ी में अब आपको मिलेगा 1.5 लीटर TSI इंजन, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलेगी और आपको 250 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। और एक इसका जो होली ग्रेल एकदम जो बापों का बाप, इसका जो RS वाला वर्जन आता है वो भी इंडिया में आएगा, जिसमें आपको 250 हॉर्स पावर मिलती है और आपको 2000 cc का आपको टर्बो चार्ज डायरेक्टली इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन मिलता है। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, एकदम बढ़िया। आज तक ऐसी गाड़ी इंडिया में नहीं आई इस वाले सेगमेंट में। और जो फीचर लिस्ट है गाड़ी की वो भी एकदम बढ़िया है, जिसमें आपको हेडअप डिस्प्ले मिलता है, आपको मैट्रिक्स लाइट्स मिलती है, आपको फुली डिजिटल आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है, और आपको वेंटिलेशन वाली और हीटिंग वाली आपको सीट्स मिलती है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और जो लेग स्पेस है गाड़ी की हेड स्पेस एकदम बढ़िया है, और लंबी भी बहुत है गाड़ी, ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स के आसपास से भी लंबी इस गाड़ी की लेंथ है, तो लंबी भी काफ़ी है ये गाड़ी, और तभी इस गाड़ी को अपने सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी माना जाता है, और तभी ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बिक रही है, बाकी सारी गाड़ियाँ तो डेड हो चुकी है। और बाकी अगर आप इसके लॉन्च के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में 2020 में अराउंड अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास ही होगा, अभी तो एक्सपेक्टेड है नहीं, तो आपको 4-5 महीने इस गाड़ी के लॉन्च के लिए वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है, जो कि आप कह सकते हैं कि स्कोडा की सबसे बढ़िया बिकने वाली गाड़ी है, और इसका जो 2020 वाला वर्जन है उसमें आपको आप कह सकते हैं कि 10 लाख के प्राइस में आपको 20 लाख के फीचर्स मिलते हैं और आपको लुक्स मिलती है, तो वो है 2020 वाली स्कोडा रैपिड। और इस गाड़ी का जो ये वाला वर्जन है वो रशिया में तो लॉन्च हो चुका है, और इंडिया वाला लॉन्च 2021 में होगा। इस गाड़ी में आपको जो फीचर्स मिलते हैं आपको ना तो होंडा सिटी में मिलते हैं, ना तो आपको वरना में मिलते हैं, ना तो आपको सियाज में मिलते हैं, तो अपने सेगमेंट की सबसे बढ़िया गाड़ी होने वाली है ये। जैसे कि अगर मैं आपको इसके फीचर बताऊँ तो इस गाड़ी में आपको इंजन जो है वो आपको मिलता है 1.0 लीटर का TSI इंजन, जिसमें आपको 120 हॉर्स पावर मिलती है, और प्लस इस गाड़ी में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया होती है और बाकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एकदम बढ़िया हो जाती है। और इस गाड़ी की अगर आप लुक्स जैसे कि आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो बहुत ही बढ़िया है, और ना तो आपको होंडा सिटी में, ना तो आपको मारुति सियाज में ऐसी बढ़िया लुक्स मिलती है, तो इसी वाली गाड़ी में आपको मिलेगी। और बाकी जो भी फीचर आपको स्कोडा की ऑक्टावे में मिलते हैं वो सारे फीचर इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। तो तभी मैं कह रहा था कि आपको 20 लाख के प्राइस में इस गाड़ी में आपको मतलब 10 लाख के प्राइस में इस गाड़ी में आपको 20 लाख के फीचर मिलेंगे। और तो फीचर के बारे में अगर आप बात करें तो इसमें आपको वर्चुअल कॉकपिट आपको मिलता है, इसमें आपको सनरूफ मिलती है, आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, और बाकी जो गाड़ी की लुक्स वगैरह एकदम बढ़िया है। और जैसे कि स्कोडा की गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो तो बेस्ट ही होती है, तो इस गाड़ी में भी आपको वही वाला सीन मिलेगा। इस गाड़ी का जो इंडिया में लॉन्च है वो 2021 में ही होगा, अभी तो कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं इंडिया में लॉन्च इस गाड़ी का, और प्राइस आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया के आसपास का होना चाहिए, तो प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है और गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, और अपने सेगमेंट की तभी मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट गाड़ी है, जिसमें आपको सबसे बढ़िया आपको वैल्यू टू मनी रेशियो मिलता है। उसके बाद जो इस की अगली गाड़ी है, जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोडा की इंडिया में सबसे सक्सेसफुल गाड़ी होने वाली है, और ये ऐसी गाड़ी है जो कि स्कोडा स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ही बना रहे हैं, तो वो है स्कोडा की विजन IN, जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोडा की तरफ से एक पूरी स्पेसिफिकली बिल्ट एक किया सेल्टॉस और बाकी एक ह्यूंडा क्रेटा की ड्राइविंग गाड़ी है, जिसमें आपको जो लुक्स मिलती है, जो आपको फीचर मिलने वाले हैं एकदम बढ़िया मिलने वाले हैं, और ना तो किया सेल्टॉस में, ना तो आपको ह्यूंडा क्रेटा में आपको इतने बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलेगा, इस गाड़ी में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का TSI इंजन, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलेगी, लेकिन वो इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट नहीं है। इस गाड़ी का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसकी लुक्स, जो कि मैं आपको अभी एकदम एक्यूरेटली तो दिखा नहीं सकता, लेकिन इस गाड़ी का जो कंसेप्ट वर्जन है, जो कि स्कोडा ने जो अभी वाला ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें डिस्प्ले किया था, तो उसमें दिखाया था, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है वो तो एटलीस्ट, और उससे पता चल रहा है कि स्कोडा इंडिया के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और इंडियन मार्केट को काफ़ी एकदम मतलब मेहनत लगा के काम करे उस पर, और उन्हें पता चल चुका है कि इंडिया में काफ़ी अब पोटेंशियल है बिज़नेस का। तो इस गाड़ी में अगर आप इसकी लुक्स ही देखें तो बढ़िया है, जिसमें आपको बहुत ही बड़ी बड़ी आपको फ्रंट में ग्रिल मिलती है, आपको LED हेडलाइट्स मिलती है, और जो लेंथ है गाड़ी की वो है 4.3 मीटर्स की, तो जो किया सेल्टॉस का और बाकी ह्यूंडा क्रेटा का जो टेरिटरी है लेंथ की उसमें ये बैठेगी। और फीचर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है, इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको सनरूफ मिलेगी, आपको बढ़िया लुक्स मिलेगी ऑफ कोर्स, और बाकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको बेस्ट मिलने वाली है पूरे सेगमेंट में।
और बाकी अगर आप इसके लॉन्च के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का लॉन्च आप कह सकते हैं कि इंडिया में अराउंड 2021 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर तक ही होगा। तो अभी एग्जैक्ट डेट तो बताई नहीं है स्कोडा ने, लेकिन 2021 का बताया है कि उस वाले साल में इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो बाकी यही पांच गाड़ियां हैं जो कि स्कोडा इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं अगले कुछ ही महीनों में या फिर अगले एक डेढ़ साल में, और जो कि बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ होने वाली है और इंडिया में अपने सेगमेंट पर राज करेगी ये गाड़ियाँ, और स्कोडा की गाड़ी ही लेनी है अब तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी जो बेल आइकन है, लाइक बटन है, शेयर बटन है, वो सब आप दबा दीजिएगा। और बाकी अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो देखनी है इंडिया की, इंटरनेशनल या फिर कोई भी आप पूरे जहाँ की सोलर सिस्टम की गाड़ी पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और बाकी थैंक यू आप सबको वीडियो देखने के लिए।